अभी इसने गायों को रोटी खिलाना तो शुरू ही किया था, अभी सांडों को भी खिलाने लगा। इतना पशु प्रेम इस पर हावी हो गया है कि आज इसने 2 केजी टमाटर इन दोनों सांडों को खिला दिया। पूछे कैसे? हुआ ऐसा था कि सुबह में सब्जी वाला आया था, 2 केजी टमाटर सासू माँ लेके रखी कि चलो एक सप्ताह आराम से चल जाएगा, और टमाटर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। दोपहर हो गई थी, सारे लोग अपने अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। मैं दोपहर का खाना बना रही थी किचन में, और ये इन दोनों सांडों को 2 केजी टमाटर खिला दिया। यहाँ ग्रिल के पास से एक एक करके फेंक रहा था, इन लोगों को लड़ा भी रहा था और खिला भी रहा था। मतलब, और जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आके ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उस टाइम तक इसके टमाटर ख़त्म हो चुके थे और मुझे पता ही नहीं चला था। बाद में शाम में मुझे पता चला। बेटा बता रही हूँ, तू सुधर जा, वरना तू तो इसी घर में रहेगा पर मुझे इस घर से बाहर जरूर निकलवा देगा। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सर? तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे, क्योंकि बाहर निकलना इस टाइम पे बहुत खतरनाक है। तो घर में ही सेफ रहेगा, आदमी घर में ही रहना है। और अभी शाम हो गई है, 5:30 हो गया है टाइम, और आज है 16 अप्रैल। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, और शाम से तो शाम का आज रूटीन शेयर करूँगी मैं। और अभी मैं आई थी छत पे ये सारे कपड़े लेने, ये देखिए मैंने लेके यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ है। तो मैं ना ऐसे 2-3 कपड़े होते हैं ना तो मैं नहीं आती हूँ लेने, मतलब ढेर सारे हैं तो आ जाती हूँ, लेकिन 2-4 रहते तो छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये रूम है, तो रूम में कपड़े डाल के रखती हूँ, इसलिए मैं 2 दिन तक भी पड़े रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, एक ही बार सारा इकट्ठा करके ले जाती हूँ, जैसे कि अभी रखी हूँ मैं। और जब मैं बाहर डालती हूँ या फिर छत पे डालती हूँ तो उसी दिन कपड़ा अगर गीला भी है ना तो मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर में कपड़े खुले में कभी कपड़े, चाहे बड़े के हो या फिर छोटे, किसी का भी कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, तो नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ रूम में होता है तो रहने देती हूँ। तो आज ये 3 दिन का कपड़ा है, ये सब मैं ले जा रही हूँ। अभी मैं इनको ले जाके नीचे फोल्ड करूँगी, और आज शाम में हम लोग बनाने वाले हैं मोमो, तो आज मैं मोमो बनाने वाली हूँ। और हस्बैंड की फरमाइश है, हस्बैंड का मन था मोमो खाने का, तो मैंने उनको बोला भी कि अभी गर्मी में कौन मोमो खाता है, क्योंकि सर्दी में मोमो गर्म गर्म ज़्यादा पसंद आता है। तो बोले ये कोई नहीं, खाने का मन कर रहा है। तो हम लोग फिर आज वही मोमो बना रहे हैं, और अभी मैं सासू माँ को और मौसी जी को देकर आई हूँ बनाने के लिए नहीं, सॉरी, सब्जियाँ काटने के लिए। तो सब्जी पत्ता गोभी बीन्स और शिमला मिर्च गाजर प्याज ये सब काटना है, तो वो लोग बारीक बारीक काट देंगे बैठ के, और उसके बाद फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अकेले नहीं बनाने वाली हूँ, तो मैं अकेले नहीं बनाऊंगी, मौसी जी मम्मी जी का भी हेल्प रहेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए आज मोमो बनाते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ, और अभी आए हैं अविनाश, इन सब फूलों में पानी डालने। तो मैंने यहाँ पे सामने, सुबह में जब मैं आई थी कपड़ा डालने के लिए, तो इन सब में मैंने पानी डाल दिया था, पर वो आए हैं डालने, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पौधे भी दो दो बार पानी पीने में क्या दिक्कत है। और ये बाबू का कैफरी अभी सूखा नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी यही छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, और ये देखो, तो इसी टाइम पे थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर घूमना, या फिर छत पे, बाहर मतलब दरवाजे के सामने, बाहर तो जाना नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, और ये डाल रहे हैं फूलों में पानी। अब मैं आ गई हूँ नीचे, और ये सारी जो सब्जियां हैं ये मोमो की स्टफिंग के लिए हैं। गाजर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा बीन्स भी है, और ये थोड़ा सा प्याज है। सबको बारीक बारीक सासू माँ ने काट दिया है, और इधर ये लहसुन है और हरी मिर्च है। अभी मुझे यहाँ पे अदरक लेना है, तो इनको मैं कूट के और अलग से ऐड करूँगी। उसके बाद ये देखिए लाल लाल टमाटर, और टमाटर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये चटनी के लिए मैंने लिया है, और ये टमाटर जस्ट अभी शाम में मैंने मंगाया है, क्योंकि बाकी जो टमाटर था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और देखिए अभी इस टाइम पे टमाटर मुझे लाल लाल, बड़े मुश्किल से मैंने हस्बैंड को एकदम से बोल के भेजा कि मुझे लाल लाल ही टमाटर चाहिए, तो लाल लाल टमाटर लेकर आए हैं। अभी मैं इनको रख देती हूँ पकाने के लिए, हालाँकि ये पके हुए हैं पर मुझे इनको अच्छे से पकाना है, तो चलिए अभी रख देते हैं। और ये जो सारी सब्जियां हैं इनको मैं नमक में अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि इनके सारे पसीने जो है निकल आए, पसीने मतलब इनका सारा जूस निकल आए। तो अभी इनको ढक के रख देते हैं, और तब तक मोमो का आटा लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ नीचे। और गाइस मेरे जो साइड में आप देख रहे हैं बोरी रखी हुई है, तो वो आटा की बोरी है। आधी जो है बोरी खाली हो चुकी है, मतलब डब्बे में भरा हुआ है, और जो ये है ये आधा बचा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कोई दूसरा डब्बा नहीं है, सो ऐसे ही चल रहा है। और उसके ऊपर वो जो है वो पैकेट है गुलाब जामुन का, तो ऐसे ही होता है। वो भी फ़िलहाल में बनाना है इसलिए वैसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखो मैंने चाल लिया है, और चाल लेने के बाद इसको अब मैं नमक डाल के, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नमक डालूंगी, और नमक डाल के इसको मैं एकदम से बढ़िया सॉफ्ट सा आटा गूंद लूँगी इसका, और थोड़ी देर रख दूँगी इसको रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। बस यहाँ पे मैंने आटे को जो है गूंथ के रख लिया है, और अब इन टमाटरों को मैंने निकाल लिया है पानी से। ये अच्छे से उबल गए हैं, ऊपर की इसकी सारी स्किन जो है एकदम आराम से उतर जा रही है, और बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी मैं इनके स्किन को उतार के और इसको थोड़ा सा काट काट लूँगी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएँ, और इनको मैं रख दूँगी पंखे के नीचे डाइनिंग हॉल में कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो मैं आपको फ़र्स्ट टाइम का जो मोमो का चटनी बनाने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने इसको ऐसे ही बस छिलके उतारे, मैंने इसको मिक्सी में डायरेक्ट डाला, लहसुन मिर्च नमक जो भी डालना होता है डाल के, और मैं लगी चलाने। और गाइज मैंने जो मेरा मिक्सी है ना उसका जो नोब होता है ना बंद करने वाला, वो नहीं था, बस ऐसे ही ऊपर से ढक्कन रखने वाला रह गया, वो निकल गया है, सभी इधर उधर गुम हो गया है। तो मैंने उसको उसमें रखा और बता नहीं सकती कितने बढ़िया से, मतलब चारों तरफ फैला, वो मैं ही जानती हूँ। तो चलिए हटाइए। और ये जो है ये पत्ता गोभी, ये जो सारी सब्जियाँ है कुछ, देखिए रोटी है, इनको मैं बांध के रख देती हूँ कि अगली सुबह जब गैया आएगी तो उसे देना होगा। और बाबू को कुछ ना कुछ चाहिए होता है देने के लिए, उसको बड़ा प्यार आता है गायों पर, तो उसके लिए ही वैसे भी दे देना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे तो घर में गाय भैंस तो नहीं है, तो ये सब कचड़े में फेंकने से अच्छा है कि आप गाय को खिला दें। तो यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है, और ये है लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने मोमो के स्टफिंग में डालने के लिए रखा था, तो इनको मैं एकदम बारीक बारीक कूट लूँगी। तो जब तक मैं लहसुन को कूट रही हूँ और मिर्ची को, तब तक अपने दिल की कुछ भड़ास है जो मैं आप सभी के सामने निकालना चाहती हूँ। तो आजकल ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मतलब एक तो रेसिपी चल रही है, दूसरा चल रहा है झगड़े एक दूसरे दूसरे के साथ, यूट्यूबर सब क्या मतलब चल रहा है यार। यहाँ पे लोग अब नाम कमाने आ रहे हैं, पैसे कमाने आ रहे हैं, तो वो करो ना, आप पैसे कमाने के लिए झगड़ा करना ज़रूरी है क्या? लेकिन हाँ ये बात भी तो उतना ही सच है कि लोग झगड़ा देखने के लिए भी तो भर भर के आते हैं, तो यही चल रहा है आजकल। तो झगड़ा देखना तो खैर झगड़ा देख के सीखेगा क्या, कोई गलत ही चीज़ सीखेगा, पर हाँ एक रेसिपी चल रही है, दूसरा तो वही है जो बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है। और रेसिपी का तो मतलब यार बुरा हाल है, लॉकडाउन है, सोच सोच के घर को चलाना है, और ऐसे में ये यूट्यूब पर इतनी सारी अच्छी अच्छी सी रेसिपी दिखा दिखा के एकदम, मतलब हाल बेहाल लोगों को लग रहा है। जैसे मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मुझे लगता है कि चलो आज कंट्रोल कर लिया, अगले दिन नहीं कुछ बनाऊंगी, पर अगले दिन भी लगता है आज थोड़ा सा ये जरूर बना लेती हूँ, बना ही लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा बनता है। और ऐसे में ही बनाया जा रहा है, आदमी खाए जा रहा है, लॉकडाउन में यही काम हो रहा है, जो कुछ भी आदमी इतने दिनों से नहीं बनाया ना वो सब ट्राई कर रहा है इस टाइम पे। तो मैंने भी बहुत कुछ ट्राई किया, आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे चटनी को देखिए मैंने पीस लिया, चटनी में मैंने डाला था जीरा नमक लहसुन मिर्च बस टमाटर, यही इतना डाल के मैं मोमो की चटनी बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू के लिए बना रही हूँ सैंडविच, तो शाम हो गई है ना तो उसे थोड़ा सा कुछ चाहिए, तो कभी मैं दूध भी दे देती हूँ और कभी कुछ ऐसा हल्का बना के दे देती हूँ, और भी बहुत कुछ दे देती हूँ। तो फिलहाल उसको मैं ये सैंडविच दे रही हूँ, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा सब्जी है ना इसको डाल देती हूँ, वैसे मैं हमेशा नहीं डालती, बस थोड़ा सा प्याज डाल के देती हूँ, पर अभी है तो ऐसे काट के दे रही हूँ, वरना वो इतना पसंद नहीं करता। बस कुछ टमाटो सॉस चाहिए और चीज़ मिल जाए बस उसको बहुत पसंद आ जाता है। तो ये बना लूँगी मैं, तो वही मैं कह रही हूँ कि यार लॉकडाउन में ना मैं बताती हूँ क्या क्या मैं ट्राई कर ली। सफ़ेद वाले रसगुल्ले मैंने ट्राई कर लिए, जलेबी मैंने ट्राई कर लिया, और क्या क्या किया है
दो तीन चीज़ें और मैंने बनाई है जो याद नहीं आ रही अभी, तो चलो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे ब्रेड सेक लेने के बाद, और देखिए ऐसे ही, और अगर आपको सैंडविच का कलर एकदम मस्त वाला चाहिए ना, तो आप घी भर भर के डालो तवा पे। तो देखिए अभी मैं घी डाल के, और मतलब जितना ज़्यादा आप घी डालोगे ना ब्रेड का कलर उतना ही बढ़िया आता है सैंडविच में। तो यहाँ पे बस एक ही मुझे सेकना था, तो ये देखिए। और यहाँ पे मैंने अपना काम इस नाइफ से चलाया यार, मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब जिससे हो जाए बस उसी से काम मेरा चल जाता है। और अगर जैसे मुझे आटा गूंदना है ना, तो अगर मेरा लगता है कि इतने से मैं इस छोटे से गमले में मैं बना लूँगी आटा, तो मैं बड़ा गमला यूज़ नहीं करती हूँ। और इसी बात की शिकायत सासू माँ को हमेशा होती है कि छोटे से बर्तन में करती है काम। तो मैं सोचती हूँ कि बड़ा लेके क्या फालतू में गंदा कर रहा, जब हमारा काम छोटे में ही हो जा रहा है। तो बस मैंने सैंडविच दे दिया है। और यहाँ पे देखिए मोमो मैंने बना के रेडी कर लिया है। तो गाइज मैंने मोमो अकेले नहीं बनाया है, और बाकी कुछ मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं बता रही हूँ क्योंकि डाइनिंग हॉल में हम लोग बना रहे थे, जहाँ पे कि लाइट बिल्कुल भी नहीं अच्छी आती है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कुछ भी किया। तो मौसी जी बेलने में मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा अलग तरीके का मैंने यहाँ पे बनाया है, और वो इसलिए बनाया क्योंकि लेट हो रही थी, तो सारा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके का भी बना दे रही हूँ तो जल्दी हो जाएगा। हालांकि सभी लोगों का हो गया था। और ये देखिए चटनी, तो चटनी भी थोड़ी तिक्की हो गई थी, पर तिक्की ही सही होता है मोमो के लिए ना, तो वही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तवे में लगा दिया है तेल, और ये अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। हालांकि इसके लिए भी स्टफिंग वही चाहिए होता है जो मोमो के लिए चाहिए होता है, बस इसको कैसे भर के लपेटना है ये मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसको भी आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी को मैं सेक लूँगी, और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो फालतू में लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, तो छोटा सा ही रहेगा कि लोग ज़्यादा बोर ना हो देख लें। तो देखिए यहाँ पे इसको भी मैंने सेक लिया है, और यहाँ पे देखिए कुछ मोमो भी बनाने बाकी हैं, और ये मैंने बना लिया है, तो मैं अब सभी लोगों को खिला दूंगी। और हाँ, पापा जी मोमो नहीं खाने वाले थे, तो उनके लिए बनाना था रोटी, तो चलिए बस। और ये देखिए यहाँ पे मेरे देवर खा रहे हैं, तो मैंने एक बार बना के इन लोगों को दे दिया था, और दूसरी बार निकला तो मैं लेकर आई हूँ। और मेरे घर में मोमो बनाने का बर्तन ही है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइज यहाँ पे मोमो बनाते बनाते हो गई थी रात, और यही हमारा डिनर हो गया था, और मेरे देवर। चलिए तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा,